नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ पैडी, यानी कि पैडी के फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पैडी का जो पेनिकल है, तो इसके पहले ये जान लें कि ये क्या होता है। ये एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती हैं। पैडी जो धान होती हैं, एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती हैं, जिसके अंदर ही ये जो ये दाने हैं, इसके अंदर ही क्या होता है, पोलिनेशन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। और इनका बोटेनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइबा, और इसका क्रोमोजोम नंबर होता है 24। अब देखते हैं इसकी फ्लोरल बायोलॉजी। देखिए, ये जो सबसे ऊपरी वाला होता है, ये जी आपको दिख रहा होगा, ई से एमएन बोलते हैं, AWE। और जो ये इधर का बड़ा वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसे लेमा बोलते हैं। और ये छोटा वाला पार्ट जो होता है, ये इसे पेलिया बोलते हैं। और आपको दिख रहा होगा पीला पीला, जो एंथर्स दिख रहे होंगे, ये देखिए जो पीला पीला, ये वाले बीच में जो एंथर्स हैं। और इसको तोड़ देते हैं, और ये देखिए ये नाखून, ये जो नाखून जैसा दिख रहा है इसे, ये वाला, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नाखून जैसा, इसे स्टेराइल लेमा बोलते हैं। ये नाखून जैसा छोटा सा, इसे स्टेराइल लेमा बोलते हैं इसे। और इसको देख लेते हैं, और इसमें जो ओवरी होती हैं उसे कार्पेल बोलते हैं, जिसमें स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी होती हैं, जिसे कार्पेल बोलते हैं। तो हम एंथर्स को निकाल देते हैं पहले। ये जो पीला पीला एंथर्स हैं, इसको निकाल देंगे तो आप लोगों को साफ ओवरी दिखेगी। ये देखिए, एंथर्स को निकाल दिए हैं, और ये आप लोगों को ओवरी दिख रही होगी छोटी सी। ये देखिए, ये है ओवरी, ये आप लोगों को ओवरी दिख रही होगी, ओवरी जो दो दो छोटे छोटे रोएदार एक जगह से दो निकले हैं। ये एक, ये है ओवरी का पार्ट, और एक ये है इधर साइड में, और बीच में ये ओवरी होती हैं, सबसे नीचे ओवरी होती हैं, जो गोला सा है ये हरा कलर का, ये ओवरी हैं, और जो बीच में होता है उसे स्टाइल बोलते हैं। और इस प्रकार ये धान का फ्लोरल बायोलॉजी रहा आप लोगों के बीच में। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू मित्रों।